किया गया। मैंने आपको बताया कि सारे डैम्स को टाइम से पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। जहाँ विवाद है इसको पहले सुलझाए, मैंने आप कहेंगे आप भी इसी में शामिल हो गए, तो बहुत त्वरित काम हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आप बराबर कह रहे हैं कोरोना में बढ़िया प्रबंधन हुआ, जबकि जनता बहुत मरी है, सरकार आंकड़े भले जो कहे। आप कह रही हैं अब डेंगू की स्थिति आपके इलाहाबाद में, प्रयागराज में खराब है स्थिति, पूरे प्रदेश में स्थिति बिगड़ रही है। कोरोना के प्रबंधन की तो आपने कहा नई बीमारी एकदम तैयार नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था आपका। डेंगू तो पुरानी बीमारी है, डेंगू को लेकर के कुप्रबंधन का शिकार हो रहा है जनता है आपकी, उस पर क्या कहना है? देखिए इस सभी बीमारियां जिस प्रकार की आती हैं, मौसमी बीमारियां, सबके लिए हमारा जो कार्यक्रम था मिशन इंद्रधनुष, उसके अंतर्गत बच्चों को, महिलाओं को और क्षेत्रों को हम लोगों ने बहुत टीकाकरण किया सभी बीमारियों के लिए। और इसके अलावा आपने देखे जेई को और डेंगू को रोकने के लिए हर वर्ष घर घर जाकर और वैक्सीनेशन का काम होता है, और अब की बार भी आप देखिए जेई का हाल देखिए कि हमेशा 1000 ज़्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त होते थे। सो करीब करीब पूर्वांचल के हमारे 8-10 जिले इससे प्रभावित हो जाते थे, 98% काबूज पे हो गया है। डेंगू पर भी वैक्सीनेशन हो रहा था, हम लोग भी चिंतित हैं कि जो निकल रहे हैं इस समय केसेस नहीं होने चाहिए, पर आप सब जगह देखिए मध्य प्रदेश में इस समय खोल दिया गया है क्या बोलते हैं एक आपका सेंटर, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी परेशान है, तो हर जगह हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी बातें करते हैं आप, नहीं बड़ी बात मेरे भैया बड़ी बात नहीं करते, लेकिन प्रबंधन करने का प्रयास और जो गंभीरता है, मेडिकल कॉलेजेस बन जाएं, आईसीयू बन जाएं, आज हमारे पास सोचिए 2.5 लाख बेड तैयार हैं कि अगर डेंगू आ जाए तो क्या हो। आज 550 आज सारे नहीं नहीं एक मिनट सुनो ना बात, तो ये जो हमने क्षमता बढ़ाई है हॉस्पिटल्स की, तो ये हर बीमारी को तो लाभ देगी, लेकिन हम आपसे ये नहीं कह रही हूँ मैं कि हमने पूरी तरह काबू कर लिया, पर आपको ये वचन देते हैं कि हमारी सरकार बीमारियों को नियस्त नाबूद करेगी। जब जेई पे काबू कर लिया हम डेंगू पे भी करेंगे, हो सकता है कि थोड़ी सी जो विभागों द्वारा हो सकता है थोड़ा विलंब से वैक्सीनेशन शुरू हो, पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपा जान भाई जान और चाचा जान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या लगता है वोटों का पोलराइजेशन नहीं हो रहा है? वोटों का पोलराइजेशन ये शब्द का इस्तेमाल नहीं, अच्छा वोटों का पोलराइजेशन कहाँ से होता है? आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, एक महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि एक पार्टी का बोलता है, उस पार्टी का मुखिया चुप रहता है। अफगानिस्तान में इतना अन्याय हो रहा है, मानवाधिकार का इतना हनन हो रहा है, लेकिन हमारे जो विपक्षी राजनीतिक दल शांत है, मौन है, क्यों मौन है? वहाँ महिलाएं मारी जा रही, कोड़े मारे जा रहे, वहाँ पत्रकारों के अपने शरीर देखे होंगे टीवी पे, इतना मोटा सूजन कोई बोल रहा है क्या कि वहाँ गलत हो रहा है? कश्मीर में आतंकवादी मार देते हैं हमारे सिपाहियों को, क्या विपक्ष की एक आवाज़ होती? तो मानवाधिकार की आप बात कर रहे हो, क्या मतलब इसका क्या अर्थ है? वो एक सिंबल है, सिंबॉलिक भाषण है, बात है सिंबॉलिक बात है, उसको कहाँ लेके चले गए हमारे उस दल के अध्यक्ष, बात वो नहीं है। बात ये है कि सामान्य रूप से अगर अत्याचार होता है, मानवाधिकार का हनन होता है, अगर राष्ट्रीय हित में आप खड़े नहीं होते हो तो वोट की राजनीति कौन कर रहा है? एक मिनट, कौन? अभी तीन लोग पकड़े गए आतंकवादी, मेरे भी नगर से पकड़ा गया, किसी की आवाज़ निकल रही है क्या? देखिए क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद आपकी नज़र में क्या है, मैं नहीं जानती, पर विपक्ष केवल और केवल राजनीति करता है वोट की। वैक्सीन आई, क्यों डिले हुआ इतना वैक्सीन में? सबने कहा तो मोदी वैक्सीन है, मत लगाओ। हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक को आपने एक मिनट में धुतकार दिया, और अगर इतनी देर ना हुई होती तो अब तक शायद हम लोग अपने लक्ष्यों को पूर्ण कर लेते, लोगों को डराया मर जाओगे। राहुल गांधी नहीं लगवा रहे हैं, अभी अखिलेश नहीं लगवा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं मत लगवाओ, वो चाहते लोग क्या हो जाए लोगों को। तो ये राजनीति है भाई साहब, राजनीति ये नहीं है कि बिना जात के धर्म के हम शौचालय बांट रहे हैं, हम चूल्हे बांट रहे हैं, हम स्वास्थ्य कार्ड बांट रहे हैं, हम आवाज़ बांट रहे हैं। जरा झांसी के आंकड़े मुझे बताइए, किस जात को कितना मिला, किस संप्रदाय को कितना मिला? क्या हमने अपने अल्पसंख्यकों को छोड़ दिया? नहीं, आज उनको हम आधुनिक शिक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए हम हुनर हाट लगा रहे हैं, हम चाहते हैं वो इतना सबल ODOP